अमृतसर कॉरपोरेशन में आज रेड़ी फड़ी के प्रधान डॉक्टर इंद्रपाल और रेड़ी फड़ी वालों के साथ कॉरपोरेशन कमिश्नर संदीप ऋषि को मांग पत्र देने के लिए पहुंचे। वहीं डॉक्टर इंद्रपाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि G20 सम्मेलन के दौरान जो रेड़ियां कॉरपोरेशन की तरफ से हटाई गई थी उनको फिर से लगाने के लिए कॉरपोरेशन कमिश्नर को मांग पत्र दिया। उन्होंने कहा कि इनको रोजी रोटी कमाने दी जाए। वहीं कॉरपोरेशन कमिश्नर संदीप ऋषि ने उनको आश्वासन दिलाया कि अगली मीटिंग के दौरान इनका भी खास ध्यान रखा जाएगा ताजो ये अपनी रोजी रोटी कमा सकें। खबर आज तक से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आज मेरे को सारे आए ने उन्होंने वालों सारे वालों यो कहा कि G20 के असी जो रूट से उन्होंने तो रेहड़ियाँ जड़ियाँ से रिमूव कीतिया सी तो इस तो बिना क्योंकि रेहड़ी की गिणती काफ़ी वड्डी गिणती हैगी है तो ये असी जिहड़ा स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट आ उहदे अनुसार इन्हां दी रीसैटलमेंट जिहड़ी उहदे बारे सोच रहे हैं। स्ट्रीट वेंडिंग जोनस बनणगे जिथे ही स्ट्रीट वेंडिंग वाले जिहड़े बंदे ने फड़ियां वगैरह उत्थे लगा सकणगे। सो इन्हां वल्लों हाल दी घड़ी जदों तक वह बनया नहीं है उदों तक इन्होंने कहा भी सानू उदों तक उजाड़ा ना जाए काम कर दिता जाए। सो इन्हां नूं मैं कहा कि मैं आने वाली जिहड़ी मीटिंग है साडी कमिश्नर पुलिस दे नाल होएगी और नाल डीसी साहब दे नाल होएगी उहदे विच असीं करांगे कि इन्हां नूं किवें रेगूलेट कर सकते हैं उस उत्ते विचार करके असीं उहदा सोल्यूशन कढांगे तां कि हाल दी घड़ी जदों तक स्ट्रीट वेंडिंग जोनस तैयार नहीं हुंदे उदों तक इन्हां नूं उजाड़ा ना जाए किसी दी रोजी रोटी उत्ते लत्त ना वज्जे। शहर दे विच पहला तो G20 दे करके जिहड़े रेहड़ी वालिआं नूं उजाड़ीकरण कीता गया सीगा हूँ G20 खत्म हो गया फिर भी जी कारपोरेशन है और पुलिस है जी वो रेहड़ी वाले धक्का करके तो भजा डे ये हिंदुस्तान के बछिंदिया है भारत के बछिंदिया है ना कि यह पाकिस्तान तो या कि बाहर के देश चो आए हैं। इन्हों असी सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और ट्रैफिक समस्या साढ़े जोड़े रेहड़ी वाले आ नहीं दिते पर फिर भी जोड़ा है कारपोरेशन पुलिस जी है वो दबा करके साडे बंदे ने धक्केशाही करती है ये एक धक्केशाही जी है वो आल पंजाब रेहड़ी फड़ी यूनियन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम तो सामने जी उन्हें भरोसा दिता भी जिन्हों तक टॉल पेंडिंग जोन नहीं बनते उन्हें तक जो रेहड़ियाँ लौटगा।